सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक यूट्यूबर के बारे में बताने वाला हूँ जो भाई बहुत ही कम टाइम पर अपने गेमिंग स्किल की मदद से भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं और उनके कमाल के आइडिया के मदद से वो वीडियो बनाते हैं एंड अपने चैनल पर वीडियो डालकर अपने चैनल को बहुत ही तेजी से ग्रो करवा रहे। तो भाई लोग, वो कोई नहीं, वो हमारे भाई यानी कि आप सभी के गुरी भाई यानी कि क्रॉसबोन्स गेमिंग। एंड गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे मैंने उनके साथ पर्सनली बात किया हुआ है, मैंने उनके गेमिंग लाइफ, उनके यूट्यूब लाइफ सब कुछ छानबीन कर लिया है और सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को एंड तक देखो अगर आप क्रॉसबोन्स गेमिंग यानी कि हमारे गुरी भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैंने डिस्क्रिप्शन पर गुरी भाई का चैनल यानी कि क्रॉसबोन्स गेमिंग का यूट्यूब चैनल लिंक दिया हुआ है, जबकि उनके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हो सके तो कुछ वीडियोस वगैरह भी देख लेना, क्योंकि अभी मैं आप सभी को जितने सारे चीज़ें बताने वाला हूँ तो आप लोगों को कुछ आइडिया वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली उनके चैनल पर भी उनका होम टूर, उनका ब्लॉग वगैरह है, मतलब आप वहाँ से भी देख सकते हो, उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप डाउट में नहीं रहने वाले हो, ओके। और बेसिकली भाई ये तो हमारा एक ट्रेलर वीडियो है, क्योंकि हमारा गेम्स में बातचीत सीजन 4 विथ क्रॉसबोन्स गेमिंग यानी कि हमारे गुरी भाई के साथ होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, बाकी फिल्म आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चले गए सभी उनके थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने बात किया हुआ था एंड बहुत कुछ उनसे जाना हूँ। बेसिकली उनका जो रियल नेम है वो है गुरिंदर सिंह एंड वो पंजाब के रहने वाले हैं। ये लोग गाइस देख लो, उनका रियल पिक भी देख लो, मैंने उनका फोटो भी आप लोगों से शेयर कर दिया है, रिवील कर दिया है। तो अभी आप लोग डाउट में रहो कि क्रॉसबोन गेमिंग कौन है या फिर गुरिंदर सिंह कौन है या फिर गुरी भाई कौन है, तो ये तीन लोग ये एक फोटो में आप लोग पहचान पाओगे। एंड देखा जाए तो वो भी पंजाब के मोस्ट पॉपुलर फ्री फायर यूट्यूबर भी है। होल इंडिया में उनका सबसे पहला जो सोलो एपिसोड का जो एपिसोड चल रहा है हमारे होल इंडिया में, वो सबसे पहले निकाले हुए थे। और उनके जो चैनल है, मतलब अगर कोई 1 मिलियन बंदा का जितना व्यूज नहीं आता होगा उनके चैनल पर, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो के भी इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मान लो कि 64 मिलियन व्यूज़ 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स में, जो फिलहाल आज तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के वीडियोस पर भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं। और ये पॉसिबल है उनके सोलो एपिसोड के वीडियो की वजह से, क्योंकि हमारे होल इंडिया पे उनका सोलो एपिसोड वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोग खुद ही जाके उनके चैनल पर चेक कर सकते हो कि उनका सोलो एपिसोड इतना पॉपुलर है क्यों। रीज़न ये है कि भाई वो एक सोलो किंग भी माना जाता है हमारे ऑल इंडिया के, क्योंकि भाई आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है कि किसी को सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर ग्रैंड मास्टर पुश करने का, क्योंकि गुरी भाई इतना कम समय में, जब नया नया सीजन आता है ग्रैंड मास्टर का या फिर जो सीजन चेंज होता है, सडनली मतलब इतना गेम प्ले, कमाल का गेम प्ले करके वो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर अपने पोजीशन बनाते हैं ग्रैंड मास्टर पे 20,000-30,000 करके। भाई लिटरली मतलब इतना इंसेन गेम प्ले वो करते हैं, आप लोग खुद ही उनके चैनल पर जाके उनके वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उनका गेम प्ले कितना लेवल का है। अंदर अपने घर को भाई हील करने के लिए भाग गया, तो इस टाइम पे भाई इसके मैंने क्या ही हेड मारे, लेकिन भाई मरा बेचारा दूसरा बंदा और BSS से एक ऊपर से डैमेज कर रहा था, जिस वजह से वो मर गया। तो गाइस इसके देखना अभी कैसे हेड पैन पड़ने वाले हैं और इसको जहीं पे मैं किल करने वाला हूँ, और इसको किल करने के बाद भाई भूया मेरे नाम होने वाला था और फ्रेम ड्रॉप आप देख ही सकते हो। अब इस टाइम पे गाइस मैंने बचते बचाते अपने आप को हील किया और उसके बाद इसके एक के से बहुत तगड़े हेड मारे और जिसके बाद भूया मेरे नाम हो चुका, 26+ मिल चुके थे। तो गाइस इसमें भाई मैंने सोलो के गेम प्ले दिखाए हैं आपको, क्योंकि आप बोलो। और बाकी भाई उनका थोड़ा ना जो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इतना बुरा सिचुएशन है, मैं आपको अगर बताऊंगा आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाएगा। तो वो सिचुएशन के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम रोने नहीं वाले हैं, अभी हम जानेंगे कि गुरी भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि क्या है उनके पीछे का राज, चलिए रिवील करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात यह है कि भाई वो हमारे इंडिया के सोलो किंग माना जाता है, यानी कि सोलो रस प्लेयर माना जाता है, क्योंकि अभी तक जितने सारे गेम प्ले वो किए हैं, जितने सीजन से वो गेम प्ले कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हैं, हीरोइक 5 स्टार, बहुत सारे ऐसे पोजीशन है वो जो पुश कर रहे हैं, आज तक मैंने देखा नहीं वो कभी डुओ या फिर स्क्वाड में खेले होंगे, क्योंकि बहुत ही कम 10-12 मैचेस इससे खेले होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैच वो सोलो में खेलते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर और ग्रैंड मास्टर पोजीशन पर पहुंचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग अगर देखो, मतलब सीरियसली मेरे को बताओ कि हमारे इंडिया में कौन ऐसा बंदा है जो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर ग्रैंड मास्टर पोजीशन पुश करता है, मेरे को भाई एक बार भाई कमेंट में बता देना कौन है वो बंदा, मैं भी उनके साथ बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखा है तो हमारे ऑल पंजाब में गुरी भाई का चैनल
सबसे टॉप में चल रहा है, क्योंकि अभी तक गुरी भाई सबसे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर है पंजाब के। और इतना कम टाइम पर इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसी तरह से वो अपने चैनल का जो माइलस्टोन है अगर कंप्लीट करते जाएंगे तो कोई डाउट नहीं कि वो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर भी बन जाए। क्या पता भाई कभी वो अज्जू भाई को भी पीछे छोड़ दे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनको अच्छी तरीके से अगर सपोर्ट करोगे तो जरूर वो अज्जू भाई को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और उनका भाई सोलो एपिसोड इतना भयंकर, उनका सोलो एपिसोड से आप लोग जाएंगे लिटरली उनका प्लेलिस्ट भी चेक करोगे, सोलो एपिसोड में वो भाई बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर लॉबी में सोलो एपिसोड खेलकर, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर जो चैलेंजेस वगैरह कंप्लीट करते हैं आज तक मैंने कोई यूट्यूबर के वीडियो में नहीं देखा। लिटरली बहुत ही इंसेंट गेम प्ले उनका है। मैं भाई पर्सनली बोलूं तो मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हो चुका हूं उनका गेम प्ले देखकर, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलकर कोई ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं। और भाई जितने सारे आप लोग देखोगे इंस्पायर होते हैं भाई, जो भी बंदा भाई सोलो खेलने की मतलब सोलो खेल रहा भी, वो सारे लोग भाई गोरी भाई से इंस्पायर होकर ही अपना सोलो गेम प्ले कर रहे हैं। भाई चलिए एट लास्ट हम उनके सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसके लिए उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो पहला सिचुएशन ये है कि उनका जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मेरे जैसा, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आप लोग समझ पा रहे होंगे मतलब पैसा का प्रॉब्लम। उनका ना बहुत ही ज्यादा बीमारी वगैरह में वो रहते हैं और उनके बीमारी के चक्कर में बहुत सारे पैसा उनके चले जाता है, जिस चक्कर में मतलब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी जितना सारा वो अपना खुद का रिचार्ज वगैरह, घर का पर्सनल काम और जितना उनका तभी जब खराब होता है जो खर्चा निकलता है वो अपना कुछ काम वगैरह करते हैं पर्सनल काम, जिसकी वजह से उनका पैसा अगर निकलता है और वो उससे ही अपना चलवाते हैं। और वो उनका अभी एक होप है कि यूट्यूब से अगर वो ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो उनको कुछ हेल्प हो जाएगा, तो अभी जाके वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे उनके खुद का, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का एक प्रॉब्लम तो होता ही है और आप लोग मेरा सिचुएशन को भी जानते होंगे। तो डेफिनेटली उनको भाई सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना फ्यूचर को परफेक्ट करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट दिखाना हमारे सबसे बेस्ट काम होगा। तो जाओ जल्दी से उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ। सो गाइस ये तो बस एक ट्रेलर है, क्योंकि बाकी का जो गेम्स भी बाकी सीजन 4 में अब मैं डायरेक्टली गुरी भाई को लेने वाला हूँ और उनके साथ मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि वो आने वाले हमारे साथ गेम्स पे बाकी सीजन 4 में। और वहाँ पर और भी कुछ राज है गुरी भाई का जो वो खुद ही बताएंगे, तो अगर आप उनके राज के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं गुरी भाई से सीजन 4 में क्या पूछूं और आप लोग उनसे क्या जानना चाहते हो, क्योंकि अभी आप लोग उनके चैनल के वीडियोस तो देखकर आइडिया तो लगा सकते हो कि उनसे आप क्या पूछने वाले हो। और बाकी राज सीजन 4 में, तो मैं सीजन 4 में चाहता हूं कि आप में से मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स में से कोई एक बंदा आके हमारे वो गेम्स पे बातचीत सीजन 4 में हमारे साथ खड़े होकर इनके साथ बात करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें यूट्यूबर के साथ स्क्रीनशॉट लेना है, सेल्फी लेना है वगैरह वगैरह, ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ सेल्फी लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है करके। तो यहां पर मैं आपको एक ओपन ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप सीजन 4 में आना चाहते हो गुरीवे के साथ सेल्फी वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना चाहते हो तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन भर दो, क्योंकि मैं जो कमेंट सेक्शन जितने सारे बंदे कमेंट्स किए होंगे एक कमेंट पिकर के मदद से आप सभी कमेंट में से एक कमेंट को चूज करूंगा एंड उनको मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा हमारे यूट्यूब की मदद से ही, मतलब जो कमेंट सेक्शन से ही वो आके हमारे साथ गेम्स से बातचीत सीजन 4 में रहेंगे, जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वहां पर रहेंगे। आप भी अगर कुछ चाहो तो उनसे पूछ भी सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले सकते हो। और कोशिश करेंगे कि अगर गुरी भाई आपके फ्रेंड लिस्ट पर जाने के लिए राजी होंगे तो और भी अच्छी बात है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा बहुत सारा सपोर्ट दिखाना है अगर आप लिटरली सीजन 4 में खुद को देखना चाहते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को मतलब अच्छे से एंजॉय किया है तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना, जाते जा रहे हो तो अभी वीडियो को एंड करके तो सब्सक्राइब भी कर देना, कोई पैसा वगैरह नहीं पड़ता है। और बाकी ये सोशल मीडिया का कचरा मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, अच्छा लगे तो फॉलो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।